Hi everyone, welcome to Ronti's Kitchen. Wish you a very happy new year. आज हम लोग बनाने वाले हैं कोकोनट चिकन ग्रेवी. So let's start. यहाँ पे हमने लगभग 400 ग्राम के चिकन लिए हुए हैं. मैरिनेशन के लिए हमने रेड चिली पाउडर, हल्दी पाउडर, सॉल्ट, जिंजर गार्लिक गरम मसाला पेस्ट और कर्ड डाला है. जिंजर गार्लिक पेस्ट सिर्फ लहसुन अदरक से नहीं, उसमें गरम मसाले के स्पाइसेस भी डाले हैं, वो हम लोग अलग वीडियो में दिखाएंगे. अब ये सबको अच्छे से मिक्स करके एटलीस्ट 30 मिनट के लिए छोड़ देते हैं. अब एक कढ़ाई में मस्टर्ड ऑयल को गर्म होने दें. उसमें 2 से 3 इलायची, 2 इंच दालचीनी, 2 से 3 तेजपत्ता डालने के बाद एक चॉप्ड ऑनियन और 2 से 3 ग्रीन चिलीज डाल के अच्छे से फ्राई करें, जब तक ऑनियन गोल्डन कलर का ना हो जाए. उसके बाद मैरिनेटेड चिकन को डाल के फ्राई करते रहे. अभी चिकन को अच्छे से भुनना है जब तक मसाले से तेल ना छोड़े. लगभग 20 से 25 मिनट मीडियम फ्लेम में फ्राई करने के बाद आपको ये वाला स्टेट मिलेगा जहां ऑयल छोड़ना स्टार्ट करेगा मसाले से. अभी इसमें 10 टू 12 कोकोनट स्लाइसेस एंड कच्चे आलू के क्यूब्स और गर्म पानी डाल के लगभग 20 मिनट के लिए मीडियम टू हाई फ्लेम में कवर डाल के छोड़ देंगे. यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखना है, पानी गर्म ही डालना है. बीस मिनट के बाद चिकन और आलू आपके पक गए होंगे, लेकिन अगर ग्रेवी थोड़ा पानी लगे यहाँ पे लो टू मीडियम फ्लेम में कुछ देर तक छोड़ सकते हो, जब तक ग्रेवी थोड़ा थिक ना हो जाए. फ्लेम बंद करने से पहले उसमें कोरिएंडर लीव डाल दे. तो ये रहा आपका गर्मा गर्म कोकोनट चिकन ग्रेवी. आप इसको रोटी के साथ या चावल के साथ खा सकते हो. आप इसको घर में जरूर ट्राई करें और हमें बताइए आपको इसका टेस्ट कैसा लगा. इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन, शेयर एंड सब्सक्राइब टू रॉन्टिस किचन चैनल.